चंद्रशेखर आजाद से मेरी एक दो तीन मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बंबई आए। बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही होती। मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। मुसलमानों के खिलाफ इस मनुवादी मानसिकता के जालिम लोगों ने तुमको इस्तेमाल किया है। बताओ ये बात सच है कि नहीं, कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ साथ फिरे तो 10 साल भी नहीं लगेंगे, इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाए। जब देश का विभाजन हुआ था